अयोध्या धाम में श्री रामलला की अगवानी को लेकर हर ओर आनंद भरा माहौल है। लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम मोदी ने एक पोस्ट किया है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और लिखा है, पीएम ने खुद को सौभाग्यशाली बताया है। लिखकर उन्होंने कहा है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही अब शेष बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। एक्स पर बताते चले कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस अवसर का जो है वो साक्षी बनने जा रहा हूं। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का भी निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास जरूर किया है। तो पीएम मोदी ने एक्स पर ये पोस्ट किया और उन्होंने लिखा है कि मैं सौभाग्यशाली हूं, ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वहां पर मौजूद रहूंगा। जनता का आशीर्वाद मुझे इस दौरान चाहिए, आकांक्षी रहूंगा मैं, ताकि जनता के सपोर्ट से, उनके आशीर्वाद से मैं उस दिन का साक्षी जो बनने जा रहा हूं उसे और बेहतरीन बना सकूं। तो इस पूर्ण अवसर का साक्षी बनूंगा, पीएम मोदी ने ये लिखा है। पर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे अंतर मन की यह भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार
मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों मुनियों तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मन से वचन से कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था और आज मेरे लिए एक सुखद संयोग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। ये स्वामी विवेकानंद जी तो थे जिन्होंने हजारों वर्षों से आक्रांतित भारत की आत्मा को झकझोरा था। आज वही आत्मविश्वास भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर सबके सामने है। और सोने पर सुहागा देखिए, आज माता जीजाबाई जी की जन्म जयंती है। माता जीजाबाई जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में एक महामानव को जन्म दिया था। आज हम अपने भारत को जिस अक्षुण्य रूप में देख रहे हैं इसमें माता जीजाबाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। और साथियों, जब मैं माता जीजाबाई का पुण्य स्मरण कर रहा हूं तो सहज रूप से मुझे अपनी मां की याद आना बहुत स्वाभाविक है। मेरी मां जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। साथियों, प्राण प्रतिष्ठा की मंगल घड़ी, चराचर सृष्टि का वो चैतन्य पल, आध्यात्मिक अनुभूति का वो अवसर, गर्भगृह में उस पल क्या कुछ नहीं होगा। साथियों, शरीर के रूप में तो मैं उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा ही, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय के हर स्पंदन में 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे। आप मेरे साथ होंगे, हर राम भक्त मेरे साथ होगा और वो चैतन्य पल हम सबकी सांझी अनुभूति होगी। मैं अपने साथ राम मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले अनगिनत व्यक्तित्वों की प्रेरणा लेकर जाऊंगा। त्याग तपस्या की वो मूर्तियां, 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की बलिदानियों की गाथाएं, कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। ऐसे असंख्य लोगों की स्मृतियां मेरे साथ होगी। जब 140 करोड़ देशवासी उस पल में मन से मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जब मैं आपकी ऊर्जा को साथ लेकर गर्भगृह में प्रवेश करूंगा तो मुझे भी एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब भी मेरे साथ हैं। साथियों, ये 11 दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में
आप सब समाहित है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी मन से मेरे साथ जुड़े रहें। रामलला के चरणों में मैं आपके भावों को भी उसी भाव से अर्पित करूंगा जो भाव मेरे भीतर उमड़ रहे हैं। साथियों, हम सब इस सत्य को जानते हैं कि ईश्वर निराकार है, लेकिन ईश्वर साकार रूप में भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा को बल देते हैं। जनता जनार्दन में ईश्वर का रूप होता है, ये मैंने साक्षात देखा है, महसूस किया है। लेकिन जब ईश्वर रूपी वही जनता शब्दों में अपनी भावनाएं प्रकट करती है, आशीर्वाद देती है, तो मुझ में भी नई ऊर्जा का संचार होता है। आज मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि शब्दों में, लिखित में अपनी भावनाएं जरूर प्रकट करें, मुझे आशीर्वाद जरूर दें। आपके आशीर्वाद का एक एक शब्द मेरे लिए शब्द नहीं, मंत्र है। मंत्र की शक्ति के तौर पर वो अवश्य काम करेगा। आप अपने शब्दों को, अपने भावों को नमो ऐप के माध्यम से सीधे मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम सब प्रभु श्री राम की भक्ति में डूब जाएं। इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों को कोटि कोटि नमन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को 10 दिन बचे हैं और उसके पहले देखिए कैसे उत्तर में माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है, तो दक्षिण में शोभा यात्रा पर पाबंदी भी लगा दी जा रही है। अयोध्या में श्री राम के जयकारे से पाकिस्तान के कान फट रहे हैं। वहां बैठे आतंकी संगठनों की नींद उड़ी है। 22 जनवरी की तारीख और श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के नाम से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जिस समय श्री राम विराजेंगे उस पल को देखने के लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, लेकिन पाकिस्तान, उसकी खुफिया एजेंसी ISI बेचैन है। इसलिए राम लला के आने की शुभ घड़ी में विघ्न के लिए तमाम साजिशें रची जा रही हैं। खुफिया सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले आतंकी कोई बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि आतंकवादी नेताओं, अफसरों पर हमला करने और इलाके में माहौल खराब करने की तैयारी में है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक कट्टरपंथी एक समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हमास के खिलाफ भारत के रुख पर भी लोगों को भड़काने की तैयारी हो रही है। टेररिस्ट एक्टिविटीज, टेररिस्ट ग्रुप, ऐसा कोई भी काम करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे कि उस दिन गड़बड़ी फैलाया जाए या तो किसी VIP को टारगेट बनाया जाए। अलर्ट के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों ने खतरे से निपटने के लिए हाई लेवल मीटिंग की। राम जन्मभूमि समारोह के दौरान तैनात की गई सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है, कहीं से सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए। इसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाए गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ स्थल में जगह जगह फेस रिकॉग्निशन वाले हाईटेक कैमरे लगाए हैं। अयोध्या की सरयू नदी में मोटरबोट, हवा में ड्रोन और चप्पे चप्पे पर जवान तैनात होंगे। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए पुलिस ने एक डेटाबेस तैयार किया है, जिसमें शहर में घुसने वाले लोगों और बाहर जाने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। पाकिस्तान और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ वक्त है एक छोटे से